सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को, और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ पर आरोप लगाने वाली इस लेडी को जरा गौर से देखिए। ये अशरफ की पत्नी है, वो अशरफ जो अतीक अहमद का सगा भाई है और वर्षों से बरेली जेल में बंद है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद इसी अशरफ पर यह आरोप लगा है कि इसने बरेली जेल के अंदर बैठकर उमेशपाल हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार की थी और इसी जेल में उसने शूटरों से मुलाकात की थी और शूटरों को बताया था कि इस वारदात को कब और कैसे अंजाम देना है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव। इस बीच अशरफ की पत्नी जैनब रूवी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उसने दावा किया है कि उसके पति अशरफ और उसके भाई को उमेशपाल हत्याकांड में जबरन फंसाया जा रहा है, क्योंकि काफी महीनों से उसका भाई घर पर ही था और वो बरेली गया ही नहीं था। माँ की तबीयत खराब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को, और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। क्या मतलब क्यों लोग हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। क्या लग मतलब आप अपने मायके वालों की तरफ से बोल रहे हैं या पत्नी? नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है बरेली में। बरेली में रहता था वो, देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की उठा ले गई है, सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। क्या लगता किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है? उमेशपाल हत्याकांड में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में अतीक का बेटा असद गोली चलाता दिख रहा है और ये दावा यूपी पुलिस ने किया है, लेकिन अशरफ की पत्नी तो कुछ अलग ही बयां कर रही है। तो हमें बिल्कुल नहीं लगा उसमें, इससे असद का तो बड़ा बड़ा बाल था, हमें जब देखा था बड़े बाल में ही देखा था। क्या लगता है अशरफ भी इस मामले में आरोपी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ बार बार बस जोड़ा जा रहा है अशरफ को, बिल्कुल भी नहीं। वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे? वहीं अशरफ को प्रयागराज लाने की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर अशरफ की पत्नी डरी हुई है और उसे इस बात का भी डर सता रहा है कि अशरफ का कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। क्या है किसी तरीके की आप लोगों को? मेरे पति को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल ट्रांसफर के बहाने कोई भी घटना कर सकती है। जी, पूरे में उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ ने इस लोगों के साथ किया है और लोगों के साथ किया है। बताया जाता है कि साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने अशरफ को उमेशपाल की हत्या का जिम्मा सौंपा था और अशरफ ने जेल में बैठे बैठे ही इस काम को अंजाम दे डाला। लेकिन जैसे जैसे योगी सरकार का अतीक और उसके परिवार पर एक्शन हो रहा है, वैसे अशरफ की पत्नी डरी हुई नजर आ रही है और वो अपने पति की जान की गुहार लगा रही है कि उसके पति को बख्श दिया जाए। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को, आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।